हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनवलप पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है हमारा। देखिए, सेमेस्टर एग्जाम में ये हमारा आता है नहीं आता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया है। राइट, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इफ एक्स टू द पावर 2y3 प्लस वाई टू द पावर 2y3 इज इक्वल टू के टू द पावर 2y3 is the envelope of the lines x upon a plus y upon v is equal to 1. इसका मीनिंग क्या है कि हमें envelope की इक्वेशन गिवन है। जनरली हमें क्या होता था क्वेश्चंस में कि हमें envelope की इक्वेशन फाइंड करनी होती थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ envelope। लेकिन यहां पर हमें envelope की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है इन फैमिली ऑफ लाइंस की। ये हमारी बहुत सारी फैमिली है लाइंस की, राइट। Then find the necessary relation between a comma v and k. तब हमें necessary relation हमें find करना है जो कि होना चाहिए a, v और k में। Where a और v क्या हमारे? Where a and v are the parameters. क्या हमारे parameters? तो किस प्रकार हम find करेंगे? देखिए, पहले हम एक roughly idea हम ले लेते हैं कि भाई हमारा envelope होता क्या है। देखिए, इसके लिए दो points हमें समझने पड़ेंगे कि ये हमारी क्या है, ये line नहीं है, ये हमारा सेट ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइंस। यहां पर बहुत सारी लाइंस है हमारी। हमारे यहां पर ए और बी क्या है, वो हमारे हैं पैरामीटर्स। तो हम जैसे जैसे ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हमें मिलती जाएंगी, उनका एंगल रोटेट होता चला जाएगा। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं ये हमारा वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, राइट। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर समझना होगा, मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैंने ये कर्व ये ले लिया, ये मैंने एक कर्व ले लिया कि भाई मान लीजिए ये कोई कर्व है हमारा, राइट। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए ए और बी की कोई तो कुछ तो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं जो इस कर्व को टच करेगी इस पॉइंट पर, राइट। ए और बी की हमें दो वैल्यूज हमें इस प्रकार से मिल जाएंगी कि वो इस कर्व को टच कर रही है, ये वाला जो कर्व है हमारा, राइट। अब इस पॉइंट की बात करते हैं तो ए और बी की ऐसी डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेंगी जो इसको भी टच करेगा। यहां पर है इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पर भी टच करते हुए दो वैल्यू हमें मिल जाएंगी और बी की, इस पॉइंट को भी टच करते हुए दो वैल्यू मिल जाएंगी हमें ए और बी की, इस पॉइंट को भी टच करते हुए दो वैल्यू हमें मिल जाएंगी ए और बी की। तो इस कर्व को हम एनवलप बोलते हैं इन लाइंस का। मतलब एनवलप क्या है, एनवलप एक ऐसा कर्व है जो इन सभी लाइंस को, ये फैमिली ऑफ लाइंस है, ए और बी की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो बहुत सारी लाइन मिलेंगे। तो हमारा जो एनवलप है वो एक ऐसा कर्व है जो इन सभी फैमिली ऑफ लाइंस को टच करता है। जी हमें समझना पड़ेगा, मतलब अगर मैं इन सभी लाइंस को ड्रॉ कर दूं तो एक ऐसा कर्व जो उन सभी लाइन को टच कर जाए उसको हम बोलते हैं एनवलप, मतलब कवर कर ले एकदम। ये हमें यहां पर समझना होगा। तो इस कर्व को हम बोलते हैं एनवलप। इसका जो हर पॉइंट है, इस एनवलप का जो हर पॉइंट होता है वो इस फैमिली ऑफ लाइंस पर लाई करता है, किसी एक लाइन पर लाई करेगा। जब हम ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें बहुत सारी लाइंस मिलेंगी, तो इसका हर पॉइंट इसके एक लाइन पर पाया जाएगा, एक पॉइंट इस एनवलप का, राइट। अब किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कर्व हमें गिवन है x टू द पावर 2y3 प्लस y टू द पावर 2y3 इज इक्वल टू k टू द पावर 2y3। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं यहां से, dy ओवर dx, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें ये मिल जाएगा 2y3 इंटू एक्स टू दावर माइनस का 1y3। वन हम यहाँ माइनस कर देंगे, सेम यहाँ पर 2y3 इंटू वाई टू दावर माइनस का 1y3, और y का हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो 2y3 कैंसिल कर दिया, 0 में चला गया, तो dy अपॉन dx हमको मिल जाएगा माइनस एक्स टू दावर माइनस 1y3 अपॉन y टू दावर माइनस का 1y3। तो dy अपॉन dx हमने फाइंड कर लिया
माइनस वाई टू द पावर माइनस वन बाई थ्री अपॉन एक्स टू द पावर माइनस का पॉजिटिव बना लिया हमने, वन बाई थ्री पावर को हमने पॉजिटिव बना लिया। अब देखिए किसी भी फंक्शन पर हमने डीवाई ओवर डीएक्स फाइंड किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस फंक्शन पर टेंजेंट का स्लोप। और एनवलप की टेंजेंट क्या होती है, जिसका वो एनवलप है भाई। एनवलप क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो दी गई फैमिली ऑफ लाइंस को टच कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका हम एनवलप निकाल लें तो ये जो होगा वो इस एनवलप का एक टेंजेंट होगा जनरल, राइट। तो हम इसका भी स्लोप फाइंड कर ले रहे हैं, इसका स्लोप कितना आएगा, तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा, तो लाइन है हमारा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। आप दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं स्लोप, स्लोप का एक हमारा फॉर्मूला होता है लाइन है तो कोफिशियंट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, और डेरिवेटिव भी कर सकते हैं आप भाई। ये लाइन है, लाइन का डेरिवेटिव करें, देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं स्लोप। हम कैसे निकालेंगे, डीवाई अपॉन डीएक्स मीन स्लोप होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, तो हमारे मिलेगा माइनस का बी अपॉन ए। और आप ऐसे नहीं निकालते तो इसका इसका भी डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका भी डेरिवेटिव कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स का हो गया हमारा वन प्लस वाई का हो जाएगा माइन प्लस वन अपॉन बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dy upon dx is equal to minus 1 upon a upon 1 upon b means v upon 1, ये इधर गया और इसका क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो dy upon dx हमें मिल गया माइनस का v upon a, राइट। ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप, और ये इस लाइन का स्लोप है भाई, ये तो लाइन है, तो इन दोनों dy over dx की वैल्यूज को हम इक्वल कर देंगे, ये हमारा है लाइन टू और ये हमारा लाइन इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जनरली हम कर क्या रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए आप, इस लाइन का स्लोप, इन लाइंस का स्लोप हमने जनरल निकाल लिया, जनरल हमारा ए और बी की फॉर्म में आया है, ए और बी की जैसे जैसे वैल्यूज होंगी हमारी वैसे वैसे ये स्लोप चेंज हो जाएगा, राइट। आप अभी जो हमने बताया था लाइन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इस कर्व का, कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाला, और कर्व का टेंजेंट कौन सा है, यही तो है, तो दोनों स्लोप हमारे इक्वल होंगे, दोनों स्लोप को इक्वल कर दीजिए, डीवाई ओवर डीएक्स का वैल्यू इक्वल कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस वाई की पावर वन बाई थ्री अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए, तो माइनस से हमारा ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और हम इसको लिख लेंगे एक्स की पावर वन बाई थ्री, या फिर इसको इधर ले जाइए ए अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन वाई की पावर वन बाई थ्री। अब थोड़ा सा स्ट्रेस आपको यहाँ देना होगा, मैं किस प्रकार से लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, बहुत इस मेन पॉइंट है। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं जो है ना एक्स से डिवाइड करने वाला हूँ, एक्स से इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, एक्स की पावर वन बाई थ्री एक्स अपॉन ए आ रहा है ना, तो सॉरी एक मिनट, तो इसको आप ऐसे लिखिए वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई हमने कर दिया और एक्स का डिवाइड हमने कर दिया, राइट, और एक्स की पावर वन बाई थ्री, क्लियर है, यहाँ से समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर मैंने y से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और y से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, अभी तक तो बराबर है, यहाँ पर समझना होगा, यहीं पर थोड़ा सा मेन पॉइंट है, यहीं पर खेला हो जाएगा। देखिए इस x को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ a अपॉन x, सॉरी इस a को मैं इसके नीचे लेके आया और इसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया, इस पावर को मैं यहाँ माइनस करूँगा तो x की पावर 1 माइनस वन बाई थ्री, और इस a को मैं नीचे लेके आया मीन्स एक्स अपॉन ए, सेम यहाँ पर इस y की पावर को यहाँ माइनस करूँगा तो y की पावर 1 माइनस वन बाई थ्री अपॉन इस v को मैं नीचे लेके आया y अपॉन v,
ये आपको समझना था, सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है, यही है हमारा टर्निंग पॉइंट। तो मैंने इसको क्या बनाया, x की पावर 2y3 अपॉन x अपॉन a इज इक्वल टू y की पावर 2y3 अपॉन y अपॉन v। और मैं यहां पर लगा दूंगा क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नियम, रूल, राइट। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वल होता है, ऐसे हम लिखते हैं ना, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू होता है a प्लस c अपॉन b प्लस a प्लस c अपॉन b प्लस d। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होता है हमारा ये। तो सेम मुझे यहाँ क्या मिलेगा, x की पावर 2y3, अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, अपॉन x अपॉन a इज इक्वल टू y की पावर 2y3 अपॉन y अपॉन b। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 2y3 प्लस y की पावर 2y3 अपॉन x अपॉन a प्लस y अपॉन b। और ये हमारा कितना है, k की पावर 2y3, और ये हमारा कितना है, 1। ये बड़ा सिस्टमेटिक वे से हमें बनाना होगा इसको, इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो x की पावर 2y3 अपॉन x अपॉन a राइट इज इक्वल टू y की पावर 2y3 अपॉन y अपॉन b इज इक्वल टू, ये हो गया k की पावर 2y3 अपॉन 1। अब यहां पर मैं 1 by 1 लूंगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हम जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 2y3 अपॉन x अपॉन a इज इक्वल टू k की पावर 2y3 अपॉन 1, राइट। इसको समझना, ये हमारा ऊपर जाएगा, इस पावर को मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, तो a अपॉन x की पावर 1/3 इज इक्वल टू k की पावर 2/3। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो x का वैल्यू ठीक है ना, तो 1 माइनस 1/3 भाई 1 माइनस 1/3 1 माइनस 2/3 हाँ 1/3 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये देख लेंगे नीचे दिख रहा है हमारा ये, हाँ एक लाइन और लिखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मिल जाएगा k सॉरी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a अपॉन k की पावर 2/3 राइट। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x कितना मिल जाएगा, 1/3 को चले जाएंगे, a अपॉन k की पावर 2/3 टू दी पावर 3 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब अपॉन k स्क्वायर। सिमिलरली आप लेंगे ना फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो सेम आपको क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू वी क्यूब, वाई इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन के स्क्वायर। ये दो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे इंपोर्टेंट हमारे रिजल्ट आए हैं, इनको आपको समझना होगा राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए कहां, इस इक्वेशन में, सेकंड में या फिर फर्स्ट में, इसमें रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें x का वैल्यू पुट करना है, और x कितना है हमारा, x है हमारा फ्रॉम इक्वेशन दिस, इसको आप a डाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन a, तो a से हमें क्या मिलेगा, x है हमारा a क्यूब अपॉन k स्क्वायर अपॉन a प्लस वी क्यूब अपॉन के स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा नीचे आएगा, एक ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन ए के स्क्वायर प्लस वी क्यूब अपॉन के स्क्वायर वी, तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यही है हमारा नेसेसरी रिलेशन बिटवीन ए बी एंड के। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, मिल सकता है आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एक और मेथड है, लेकिन समझना क्या, देखिए हमें
कि ये जो हमारा जो मेथड है वो केवल लाइंस के लिए वर्क कर सकता है, केवल स्टेट फैमिली ऑफ स्टेट लाइंस हमें गिवन होंगी तो तभी ये वर्क कर सकता है। किस प्रकार है इसको मैं फिर से आपको रफली आइडिया दे दूं। एनवलप क्या है, किसी भी लाइन का जो एनवलप है उसका प्रत्येक पॉइंट इसकी ए और बी की डिफरेंट वैल्यू लेने पर जो लाइंस बनेंगी उनको टच करेगा, एक को टच करेगा। ए और बी की आपने कोई वैल्यू ली तो एक पॉइंट को टच करेगी लाइन इस एनवलप के, फिर ए और बी का चेंज करेंगे वैल्यू तो दूसरी लाइन मिली तो इस एनवलप के दूसरे पॉइंट को टच करेगा। इसी तरह इसके जो हर पॉइंट है वो इन फैमिली ऑफ लाइंस पर लाई करता है, हर एक पॉइंट एनवलप का इन में से कोई एक फैमिली पर किसी भी एक लाइन पर, इन फैमिली ऑफ लाइंस में से किसी एक लाइन पर लाई करेगा इस एनवलप का प्रत्येक पॉइंट, इस फैमिली ऑफ लाइंस की किसी ना किसी लाइन पर लाई करेगा होगा। अब हम क्या करने वाले कि हम इस, ये हमारा क्या होता है एस्ट्रॉइड होता है हमारा, ये क्या होता है एस्ट्रॉइड, राइट। हम क्या करने वाले एस्ट्रॉइड के हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, ये हमारा होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थी, अगर हमारा के है तो ये हमारा के कॉस क्यू थीटा, और वाई इक्वल टू हो जाएगा के साइन क्यू थीटा। तो हम क्या करने वाले इस एस्ट्रॉइड पर हम एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, जनरल, ये हमारा इजी मेथड है। अगर हमने इस एस्ट्रॉइड पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली, और टेंजेंट की इक्वेशन, और ये भी तो टेंजेंट है भाई, जिसका ये जो एनवलप है वो इस लाइन का है तो जो लाइन होती है वो इसको टच करती है ना, राइट। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं इस पर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थ्री के कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस साइन हो जाएगा हमारे यहाँ पर। सेम हम फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा थ्री के साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हमें मिल जाएगा थ्री के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस थ्री के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, एट के कॉस क्यू थीटा कॉमा के साइन क्यू थीटा पर इज, यह हमें मिल जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर स्लोप माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस के कॉस क्यू थीटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा वाई माइनस के साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एक्स, और प्लस का हमें मिल जाएगा के साइन थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा, इसको मैं तो लेके जाऊंगा तो ये हमें मुझे मिल जाएगा साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या कॉमन आ जाएगा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन, ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा वन, तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझने का प्रयास करना, अभी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पर, तो ये हमें मिलेगा एक्स अपॉन के कॉस थीटा, इसका हमने डिवाइड कर दिया नीचे ले गए, प्लस वाई अपॉन के साइन थीटा इज इक्वल टू वन। ये क्या है, देखिए ये हमारा एस्ट्रॉइड है, ये हमारा एनवलप है, ये क्या होता है हमारा एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का इक्वेशन हमारा ये होता है, कर्व हमारा इस प्रकार से होता है एस्ट्रॉइड, सेम ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो हमने ये क्या फाइंड किया, हमने टेंजेंट फाइंड किया है, राइट। और इसकी बहुत सारी टेंजेंट हमें मिल जाएंगी अगर हम थीटा को चेंज करते रहे, राइट। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया और दे दूँगी, थोड़ा सा रुकिए, ये क्या है हमारा लाइंस,
इसका एनवलॉप ये है। इसका मीनिंग क्या है? इसका प्रत्येक पॉइंट इस फैमिली ऑफ लाइंस में से किसी ना किसी एक लाइन पर लाई करेगा। और ये क्या है? ये भी इसका टेंजेंट है। तो थीटा की जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो ये भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट हमें मिलेंगे। इसका मीनिंग क्या है? ये लाइंस और ये लाइंस को अगर हम सेम कर दें, कंपेयरिंग कर लें, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम भाई ये भी टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है? इसका एनवलप ये है, तो ये भी इसकी टेंजेंट हो गई। तो कंपेयरिंग कर लेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो दोनों की कंपेयरिंग कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा k cos थीटा इज इक्वल टू a कॉमा k sin थीटा इज इक्वल टू v। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, जब हम स्क्वेयर करेंगे और एडिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यही हमें रिलेशन फाइंड करना था a v और k में। देखिए समझना हमें ये है कि जिसका हम एनवलप निकालते हैं वो अपने एनवलप को टच करता है प्रत्येक पॉइंट पर। और हमने अभी उल्टा किया है कि मान लीजिए ये हमारा एनवलप है, एस्ट्रॉइड हमारा एनवलप है, तो हमने इस पर टेंजेंट लाइन निकाल दी, टच कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो टेंजेंट है, और हमने टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन निकाल ली हमने ये, और ये हमें गिवन थी, तो दोनों को कंपेयर किया, रिलेशन हमें मिल गया k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन देखिए ये केवल हम स्ट्रेट लाइन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला, ये मेथड, राइट? ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके नमस्कार, धन्यवाद।